Good morning, friends. Myself, Dilip Sambhala. Welcome to Unity Public School. Our chapter is Work and Energy. So, first of all, we start with introduction. So, in our daily living life, हम बहुत बार कहते हैं कि मैंने वर्क किया। ओके, अब देखो यहाँ आ रहा हूँ और आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, यानी मैं क्या कहूंगा कि मैंने आज लेक्चर लिया, दैट मींस क्या हुआ, मैंने वर्क किया। ओके, अब कोई मजदूर है, वो मजदूर जो है वो रास्ते पर कुछ काम कर रहा है, या फिर ब्रिक्स है, ब्रिक्स को उठा कर जो है वो पांच मार पर लेके जा रहा है, तो मजदूर कहेगा कि मैंने वर्क किया। ऑलराइट, इन आवर डेली लाइफ हम अगर रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, फिर खाना बना रहे हैं, या फिर कोई भी चीज हो, हम मोस्टली हम ये कहते हैं कि हमने वर्क किया। जब जब कि हम वर्क करते हैं तब हमारी एनर्जी जो है वो लॉस होती है। जब एनर्जी लॉस होती है तो वी फील लाइक अ हंगरी, हमें भूख लगती है। तो और ऑफिशियल अगर कहा जाए तो जब भी हम काम करते हैं सो काम करने के दौरान हमारी एनर्जी जो है वो लॉस होती है, और जब एनर्जी लॉस होती है हम टायर्ड हो जाते हैं, तब तब हम कहते हैं कि मैंने कुछ काम किया। ओके, सो व्हाट इज नथिंग बट इन आवर डे टू डे लाइफ देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी आर डूइंग। ऑलराइट, ऑन दैट पॉइंट वी कैन से दैट आई डन अ वर्क, आई लॉस्ट माय एनर्जी, आई फील लाइक अ टायर, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट आई डन समथिंग वर्क। ओके, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही है कि वर्क किसे कहते हैं। सो वर्क जो है, एक सेकंड एग्जांपल दूं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको लिखा वाला दिया, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, ऑलराइट, ये सब के एग्जांपल दिए। ऑलराइट, अब जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल दिया दे रहा हूं कि अगर मान लो स्टूडेंट्स आपकी एग्जाम है, आपकी एग्जाम कब है, मान लो कल ही आपकी एग्जाम, अब कल आपकी एग्जाम है, माइंड पर प्रेशर पड़ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, आप क्या करोगे कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल एग्जाम है, मुझे स्कूल आना है। ऑलराइट, अब स्कूल आने के लिए क्या करोगे आप जो है वो पूरे 8 आवर्स पढ़ोगे, दैट मींस क्या होगा, 8 आवर्स के बाद आप टायर्ड हो जाओगे। ऑलराइट, अगर आपकी मम्मा आपसे पूछती है कि आपने कुछ पढ़ा, तो आप कहोगे कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने काम किया, सो दैट मींस ऑन दैट टाइम आल्सो आप कहेंगे कि मैंने कुछ वर्क किया है। ऑलराइट, सो वर्क क्या नहीं किया, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया वो वर्क है, या फिर ये एग्जाम वाला जो है वो वर्क है। सो अगर हम देखें तो डे टू डे लाइफ में दोनों को हम वर्क कहते हैं। सो इन अ फर्स्ट केस जो लेबर वाला वर्क था, ऑलराइट, उसे हम कहते हैं फिजिकल वर्क। क्यों, बिकॉज द थिंग इज दैट वी आर इंपोर्टिंग अवर फिजिकल एक्टिविटीज इन दिस वर्क, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इन अवर डे टू डे लाइफ देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी आर डूइंग, इट्स कॉल्ड अ फिजिकल वर्क, जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ओके, एंड सेकंड केस में अगर देखा जाए तो ये एग्जाम वाला जो एग्जाम्पल है उसे हम कहते हैं कि हमने मेंटली वर्क किया। क्यों, द थिंग इज दैट इन दिस वर्क अ मेंटली एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने मेंटली वर्क किया। अब फिजिकल वर्क एंड मेंटली वर्क दोनों में एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है, दैट मींस हमें भूख लगती है, भूख लगती है दैट मींस और हम कुछ फूड लेते हैं, उसमें से एनर्जी हम गेन करते हैं, देन ओके हम वर्क करते हैं। सो ये जो है वो डे टू डे लाइफ में
की अगर वर्ब को हमें डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो साइंटिफिकली अगर हमें वर्ब को डिफाइन करना है तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है तो उसमें वर्क इन्वॉल्व होगा। दैट मींस लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, वी हैव अ दिस बॉक्स, ओके। अब इस बॉक्स को हम बाहर से क्या लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा लिया तो क्या होगा? बॉक्स उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब ये जो है वो बॉक्स की क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और इसे हम कहते हैं बॉक्स। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लो कि 10 न्यूटन जितना आपने फोर्स लगाया है, अब 10 न्यूटन फोर्स इस बॉक्स पर लगाने से क्या होगा? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया हुआ है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। ऑल राइट, डिस्प्लेस होकर यह बॉक्स मान लो कि यहां पर आ गया, ओके। अब ये जो है वो बॉक्स की मान लो कि फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, ओके। अब बॉक्स इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक मूव हुआ, तब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी बॉक्स ने यहां से यहां तक वर्क किया। सिंपली लैंग्वेज में अगर हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करके कुछ भी स्लाइड भी अगर डिस्प्लेस होता है तो हम यह कहेंगे कि हमें कुछ वर्क मिला, यानी वर्क की जो है वो हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, यानी हमें कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा। यह है साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क।